पश्चिम बंगाल की दमदम जेल में कैदियों ने हंगामा किया है। कैदियों ने जेल में आगजनी और तोड़फोड़ की। कोर्ट ने कोरोना की वजह से बेल पर रोक लगाई हुई है। कैदियों के परिवार को भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। जेल प्रशासन की तरफ से हालात को काबू में करने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जेल के भीतर आगजनी की गई है, हो हंगामा किया गया है। और अब इस सब के पीछे वजह जो बताई जा रही है वो ये कि कोर्ट की तरफ से कैदियों को उनके घर वालों से मिलने से रोका गया है और जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हमारे सहयोगी उदय प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। उदय, अभी क्या सिचुएशन है? क्या कैदियों को काबू में कर लिया गया है? हो हंगामा बंद हो गया है? क्या हालात है? देखिए, सुबह से ही यहाँ पे हंगामा चल रहा था। पहली जो बात है कि यहाँ पे जो बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल है उसके द्वारा 31 मार्च तक यहाँ पे मनाही कर दी गई है। अदालत में वकील नहीं जा रहे हैं, उस वजह से उनका बेल नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है कि जो कोरोना की वजह से उनके परिजन मिलने पहुंचे हैं उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। सुबह से ही वो लोग हंगामा कर रहे थे। उसके बाद पुलिस और दोनों जो कैदी हैं, कैदियों के बीच मारपीट हुई। उसके बाद कई जगहों पर कैदियों ने अंदर में ही आग लगा दी। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, जेल के प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। और स्थिति अभी भी वहां पर काफी भयावह बनी हुई है, क्योंकि यह बड़ा जेल है और बड़ी संख्या में यहाँ कैदी रहते हैं, इसीलिए जो हंगामा है वो काफी बड़ा हो गया और दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई जिसमें कई लोग घायल भी बताए जाते हैं। जी विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया उदय प्रताप इस पूरी जानकारी के लिए आपका।